नहीं जाएंगे चाइना जापान में, सब कुछ बनाएंगे हिंदुस्तान में। देखने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि हम पहुंच गए हैं बल्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूरोविश यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है बहुत ही खास है। दिवाली नजदीक है और हिंदुस्तान में बनने वाला प्रोडक्ट, अपने देश का बनने वाला प्रोडक्ट। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं संजीव कुमार जी से। चाइना नहीं, चाइना को फेल करने वाला हिंदुस्तानी प्रोडक्ट, इंडिया में बनने वाला प्रोडक्ट और हिंदुस्तान के किसी जगह पे है। कितने लोगों को रोजगार दिया है इन्होंने और क्या इंडस्ट्री है, आपको इनके साथ जुड़ के क्या मिलने वाला है उसकी जानकारी हम बिल्कुल डिटेल में लेते हैं। संजीव जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पूरी इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए। बहुत दिल से खुश हूँ कि आपके इंडस्ट्रीज में आने के बाद यहाँ पे मुझे लगा कि चाइना को आप बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे सराहनीय काम कि आत्मनिर्भर भारत का वो सपना पूरा करने की कोशिश, कितने लोगों को रोजगार, बहुत अच्छा चीज संजीव जी कर रहे हैं। आपको इनके साथ क्या जुड़ के फायदा मिलने वाला, चलिए जानकारी लेते हैं। तो संजीव जी, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए क्या है और लोग आपके साथ कैसे जुड़े हैं, उनको क्या बेनिफिट आपसे मिलने वाला है। ये देखिए, पहले तो होता कि हम लोग के जो भी देश में पहले चाइना काफ़ी हावी हो चुका था। जी जी। और जो भी हमारा दिवाली आइटम था वो टोटल के टोटल चाइनीज प्रोडक्ट आता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि टोटल जो है ना, हम लोग ये मतलब एक एक चीज जो है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में कर रहा है। मतलब किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर? ये एक आपका ये एक रोटरी बल्ब है। रोटरी बल्ब जी, जिन्हें इसकी कांच जो है ना, ये कांच यहाँ तैयार होती है इस मशीन में। इस मशीन में, ठीक है। और जो भी इसका फिर पार्ट है, बाकी ये मशीन है और इसका सेकेंडरी, इसके ये मिडल पार्ट जो इसमें मोटर होती है ना घूमने के लिए, अच्छा वो उसमें ये दिखाइए वो किस तरह का है, कैसा बनता है। अब हम चल रहे हैं दोस्तों, इसका मिडिल पार्ट कैसे बनता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो संजीव कुमार जी ने लगाया हुआ है, उस पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे उनका क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। देखिए, अब पहुँच गए दूसरी मशीन पे। पहले आपने देखा कि ये जो है ना, ये ऊपर की क्रिस्टल बोलते हैं इसको, अच्छा वो मशीन में तैयार हो रहा है। ठीक। अब इसके जो मिडिल का पार्ट है वो, इसमें ये मोटर लगता है, वो यहाँ पर तैयार हो रहा है इस वाले मशीन से। इस तरह से यहाँ पर तैयार होता है। ठीक। ये मिडिल पार्ट यहाँ तैयार हो गया, बाकी नीचे की जो हाउसिंग है ये आपको ये इस वाले मशीन पे तैयार होती है। तो दोस्तों, अभी आपको हमने दो मशीन दिखा दिया है जिसके अंदर ये पार्ट, उसके बाद ये पार्ट, अब हम चल रहे हैं अगले पार्ट पे कि वो क्या है। तो अब यहाँ बताइए यहाँ क्या बनता है। यहाँ पे ये थर्ड पार्ट जो है, ये नीचे का जी हाउसिंग होती है, अच्छा वो हाउसिंग यहाँ पे तैयार होती इसमें है, इसमें से निकल रहा है जैसे। जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जो हाउसिंग है ये यहाँ पे तैयार होती है आपकी, इसके अंदर हाउसिंग से ये प्रोडक्ट निकलता है। जी बिल्कुल। ठीक। अब ये टोटल ये जो भी प्लास्टिक पार्ट्स है इसका, उसके बाद मैं अब ये चलता हूँ असेंबलिंग में। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस प्रोडक्ट का, अब हम पहुंच गए हैं असेंबलिंग में। ये क्या क्या असेंबल हो रहा है उसको भी हम जानकारी लेते हैं डिटेल में। सर बताइए क्या क्या है ये। जैसा कि मैंने पिछले बताया कि ये जो मिडिल पार्ट है उसमें मोटर कसा जाता है। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये मोटर को जो है ना ये अपना लगाया जा रहा है इसमें। अच्छा। फिर उसके बाद आगे जो है उसके बाद उसके LED जो है ना इसके ऊपर लगाई जाती है। अच्छा। फिर यहाँ से ये टोटल प्रोसेस तैयार होने के बाद फिर हमारे अगले यूनिट में जाता है वो। मतलब यहाँ से बन रहा है, इसके बाद आगे का ये प्रोसेस होते होते आगे पहुँच रहा है। जी। फिर उसके बाद अगले यूनिट में चले जाएंगे। इस यूनिट को कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे अगले यूनिट में, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या बन रहा है। तो उस यूनिट को दिखाने के बाद हम आ गए हैं अगले यूनिट में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जैसे बेल्ट होता है उस तरह से एक एक प्रोडक्ट आगे की तरफ जा रहा है, उसमें कुछ और बन रहा है, इनसे जानकारी लेते हैं। तो सर बताइए क्या हो रहा है। वहाँ पे सारी तैयारी पूरी हो जाती है। अच्छा। असेंबल यहाँ पर फाइनल असेंबल इसको किया जाता है। अच्छा। यहाँ पर पूरी तरह से असेंबल तैयार होने के बाद आगे जो है इसकी टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, टेस्टिंग जी, टेस्टिंग होने के बाद पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं ये माल हमारा ओके है। अच्छा, वो टेस्टिंग कैसे होता है, चलिए उसको भी देखते हैं कि टेस्टिंग कैसे होता है। जी, यहाँ पे पूरे कम्प्लीट होने के बाद ये इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होता है जी। अच्छा, कि जो खराब है उसको निकाल देते हैं और जो अच्छा होता है उसको पैक करते हैं। जी बिल्कुल। खराब होने के बाद फिर इसको रिपेयर करके फिर से वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद वो पैकिंग हो जाती है, फाइनल पैकिंग होने के बाद फिर यहाँ पे ये लग जाता है, उसके बाद अपने पार्ट जिसको डिलीवर करना है उसके पास। जी बिल्कुल। संजीव जी की पूरी इंडस्ट्रीज दिखाने के बाद अब हम पहुंच गए हैं उनके ऑफिस में। ऑफिस में उनका डिटेल लेंगे कि कैसे लोगों को फायदा मिल सकता है इनके साथ, कहां कहां तक माल दे सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी लेते हैं। संजीव जी ये बताइए, आपका माल कितने स्टेट तक या कहां कहां तक आप दे सकते हैं? मैं तो पूरे स्टेट में दे सकता हूं क्योंकि अभी तो हमारा माल जो है आपको स्टेट के अलावा दूसरे देशों में, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां भी जा रहा है। तो आपको बता दूं, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो,
हर जगह इनका माल जा रहा है, और फिर अगर विदेशों में माल जा रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां तक इनका माल नहीं दे सकते हैं या माल सप्लाई नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इनके साथ। तो ये बताइए कि कोई आदमी, नया आदमी आपके साथ जुड़ेगा तो वो कैसे जुड़ सकता है, कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको क्या यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है? अगर वो चाहेंगे कि खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई चाहते हैं, हाँ, जो छोटे उद्योग हो, हाँ, जो चाहते हैं कि खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, मतलब अपना ब्रांड लगा के, जी अपनी ब्रांड से, क्योंकि इसके पहले भी मैं बाहर से इंपोर्ट करा रहा था, चाइना से इंपोर्ट करा रहा था। अच्छा। काफी समय से मैं इंपोर्ट करा रहा था, लेकिन अब मैं इसकी टोटल प्रोडक्ट को अपने यहाँ तैयार करा रहा हूँ जी। तो कुछ लोग हैं जो कि अपनी टोटल प्रोडक्ट को सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं जी जी जी, तो वो हमारे यहाँ से टोटल पार्ट्स वो परचेज कर सकते हैं। अच्छा। प्लास्टिक जो भी हाउसिंग इसकी तैयार हो रही है, चाहे जो भी पार्ट्स है, हाँ, वो खुद से तैयार करके वो अपने यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका रांची में हो गया, रांची में कोई उद्योग लगाना चाहे कि उद्योग लगा के कुछ लोगों को रोजगार दे सके जी, वहाँ हमसे पार्ट्स वगैरह ले लिए, वो पार्ट्स लेकर वहाँ असेंबल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो आपको बता दूं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके पास, अगर आप चाहते हैं कि असेंबलिंग करना तो असेंबल करके आप अपना ब्रांड लगा के भी आगे बेच सकते हैं। ये हो गया एक बिजनेस मॉडल जिसके अंदर असेंबलिंग के लिए इनके पास सारा चीज, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सारा चीज अवेलेबल है। आगे बात करेंगे कि कैसे लोग आपसे प्रोडक्ट लेके आगे ट्रेडिंग कैसे करें। अभी तो हमारे हर जिला में, हर जगह पे हमारे कुछ कस्टमर हैं जी, अगर वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, एक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कंसल्ट करा सकता हूँ ताकि वो उनसे जुड़कर अपना काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है। जैसे जैसे डेवलप करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचाने के लिए यहाँ से नहीं तैयार करके सिर्फ पार्ट्स ले गए और वहाँ खुद अपना तैयार कर लिए, उससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो उनको काफ़ी हद तक एक बचेगा और उनके अपने एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, एक तो ये हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम ट्रेडिंग करें, यानी आपसे बल्ब खरीदें, आगे बल्ब सेल करें, तो उसके लिए क्या है मॉडल? वो कर सकते हैं, हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने का लेना पड़ेगा? कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग जितना से जितना लोग काम कर सके। अच्छा। हमारे यहाँ से कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मिनिमम कितने का उसको परचेज करना पड़ेगा, अगर कोई बल्ब खरीदना चाहे या आपके यहाँ का ये हीटर है उसको खरीदना चाहे तो कितना मिनिमम परचेज करना पड़ेगा? 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके एक काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों 50,000 से 1,00,000 रुपए तक लगा के आप अपना व्यापार, यानी कि जैसे ठंडी का सीजन आने वाला है तो ठंडी के लिए ये प्रोडक्ट है, दिवाली आने वाला है तो दिवाली के लिए बड़े खूबसूरत खूबसूरत बल्ब है। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा इसको लगा के इसको डिस्प्ले में दिखाइए कि कैसा लगता है ये जलने के बाद, और दिवाली में आप कैसे इसके साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं या अपने घर में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी लगवाते हैं और देखते हैं उसका कितना खूबसूरत इसका कलर है, कितना खूबसूरत इसका डिजाइन है। और ये देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखिए कितना खूबसूरत लगता है बिना लाइट के, और ऊपर से भी मैं देखिए कितना हर जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स हैं, और मात्र 2 वाट का है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए अगला बल्ब फिर लगवाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है खासियत। तो संजीव जी, ये कितने वाट का है अभी जो लगाया आपने? ये आपका 4 वाट है। पहले इन्होंने 2 वाट का लगाया था, फिर अभी 4 वाट का लगाए हैं। कलर 5 है आपका। अच्छा। पहले जो था वो 3 कलर था। वो 3 कलर का था जी। अच्छा। और एक हमें जो कि 6 कलर का है। अब देखिए, अब अगला देखते हैं 6 कलर का। ये कितने वाट का है? ये देखिए, ये कितने वाट का है? ये आपका जो है 4 वाट है। ये भी 4 वाट का है। और इसमें कितने कलर्स हैं? 6 कलर है। 6 कलर है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया ये बल्ब, और आगे आपने रखा हुआ है ये क्या है, गर्म करने वाला क्या है, ये हीटर है क्या? ये आपका रूम हीटर है। रूम हीटर। ऑक्सीजन वगैरह, जैसे ब्लोअर वगैरह में क्या होता है कि हवा को, मतलब वो आने के बाद वो हवा का जो है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मतलब कम हो जाती है रूम में। हाँ। अब बंद कमरे में कहा जाता है कि ब्लोअर को नहीं चलाना चाहिए जी, लेकिन इसके साथ वो चीज नहीं है। ये क्या होता है कि एक इसमें एक क्वाइल लगा हुआ है। अच्छा। जो कि ये हीट सामने वो देता है और हीट को रिफ्लेक्ट करके आपको देता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये ना, इसके मिनिमम पे जो है ना, वो लो पे मात्र 100 वाट। अच्छा। मात्र 100 वाट, जो कि कोई आपका कंपनी नहीं देती होगी, जो हीटर जो भी बनाती होगी, इतना कम वाटेज किसी कंपनी के पास नहीं है। मतलब ये 100 वाट के बल्ब जितना जलता है उससे बिजली करके कन्वर्ट कर देता है। हाई पे जो है, जो कि काफी अच्छी इसका मतलब हीट है, आप ये 10 मीटर की दूरी पर रह के भी इसकी हीट को महसूस कर सकते हैं, उसमें मात्र आपको 600 वाट जाएगा जी।
अच्छा, तो इनका रेंज क्या है? रेंज आपका 10 मीटर। नहीं, इसे परचेसिंग रेंज मतलब इसको कितने में लोग खरीद सकते हैं, इनके इसके लिए अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे और कितने से स्टार्ट कर सकता है इसको? अप्रोक्स 50,000 से। अगर एक का कीमत बोलूं, छोटा बड़ा तीन चार टाइप का अलग अलग वैरायटी का बड़ा हमारे वाला। हमारे पास 700 रुपया से लेकर आपका स्टैंड का सबसे हाइयर मॉडल है जो कि आपका 1900 रुपया उसका है। 700 से लेकर 1900 का जी, अलग अलग मॉडल में और बड़ा खूबसूरत दिखने में गुड लुकिंग चीज है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। तो आप 50,000 से चाहे तो आप बल्ब का, एलईडी बल्ब का इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद ये रूम हीटर टाइप में ये है और भी फैन भी बन रहा है जो कि लगातार ये डे बाय डे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और पब्लिक के लिए जिससे कैसे बेनिफिट हो, लोग कैसे जुड़ सकते हैं, चाइना के कैसे कॉम्पिटिट करें। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। इनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डिटेल एड्रेस चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। लोग यहीं से नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों तक इनका माल जा रहा है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। दिवाली तक आने वाला है, दिवाली तक अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, चाइना को बीट करने के लिए, मेरे वीडियो पर आके बार बार देखने के लिए आप सबका दिल से जय हिंद।